नमस्कार, सीएनबीसी आवाज के 11वें रियल स्टेट अवार्ड्स में आपका स्वागत है। अवार्ड्स की तैयारियां हम जोरों के साथ कर रहे हैं। इस वक्त नॉमिनेशन का दौर जारी है। बड़ी संख्या में आप सभी के नॉमिनेशन हमारे पास आ रहे हैं। देश के सभी प्रतिष्ठित डेवलपर्स के नॉमिनेशन हमारे साथ आ रहे हैं और जल्द ही ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद आगे हम बढ़ेंगे अवार्ड्स की तरफ। लेकिन इसी बीच रियल स्टेट फोरम्स का भी सिलसिला लगातार जारी है। हम अलग अलग शहरों में पहुंच रहे हैं और बात कर रहे हैं उन शहर के रियल स्टेट मार्केट्स के बारे में, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि डेवलपर मार्केट्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, एक्सपर्ट मार्केट के बारे में क्या सोच रहे हैं। तो ऐसा ही एक रियल स्टेट फोरम आज हम आपके लेकर आए हैं और इसे लाने का खास मकसद, जी हाँ, देश में इस समय एक बड़ा आर्थिक फैसला लिया गया है, डीमोनेटाइजेशन यानी नोटबंदी, और उसका रियल स्टेट मार्केट पर क्या असर पड़ेगा। साल बदलने वाला है, नए साल में क्या नई चीजें आएंगी, ब्याज दरें बदलेंगी, क्या ऊपर होंगी नीचे होंगी या कुछ और नए कानून आएंगे जिससे रियल स्टेट पर फर्क पड़ेगा। तो बहुत सारी बातें 2017 में जिन पर ध्यान देना होगा, इस रियल स्टेट फोरम के जरिए आज उन्हें उठाने की कोशिश करेंगे। और ये सब कुछ करने के लिए मेरे साथ तीन बड़े स्पेशलिस्ट गेस्ट आज मौजूद हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंकज कपूर साहब, एमडी लाइसेंस फॉर आस, हमारे सहयोगी, हमारे एक और सहयोगी राम रत्न ग्लोबल के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री गोपाल काबरा साहब, और साथ ही जुड़ रहे हैं गीतांबर आनंद साहब जो क्रेडाई के प्रेसिडेंट है, क्रेडाई नेशनल के प्रेसिडेंट है और साथ में एटीएस के चेयरमैन भी। बहुत स्वागत है आप सभी का रियल स्टेट फोरम में। तो चूंकि बात हो रही है कि क्या असर पड़ेगा डीमोनेटाइजेशन का रियल स्टेट मार्केट पर और लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या होगा, तो पहला सवाल गीतांबर आनंद साहब आपसे ही पूछता हूं। ग्राउंड पे इस वक्त क्या चर्चा है, क्या हलचल है, एक तो करंट इंपैक्ट क्या देखते हैं और फिर हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म इंपैक्ट की भी। थैंक यू विपिन। विपिन, क्या है कि नॉर्मली जब हम टीवी शो पे आते हैं तो एक माहौल सा बन जाता है कि एक नेगेटिविटी आ जाती है रियल एस्टेट को लेके कि ये अब तो बिल्कुल ही, अब ये हो गया है तो अब ये बर्बाद हो गए, अब ये हो गया है तो अब दाम घटेंगे। तो मैं दोबारा इसी सिलसिले में चर्चा शुरू करता हूँ। चलिए, एक और बात हो गई, डीमोनेटाइजेशन हो गया, लेकिन सच बात यह है कि यही इंडस्ट्री जो है इसी ने अच्छे मकान भी दिए हैं कंज्यूमर्स को और देती रहेगी। डीमोनेटाइजेशन एक चेंज है, एक बदलाव है जिसकी वजह से सबको अपना बिजनेस करने का तरीका बदलना पड़ा है, चाहे रियल एस्टेट हो या कोई और हो, ऑटोमोबाइल हो या जेम्स एंड ज्वेलरी हो या कोई भी हो। हम भी अपना तरीका इतना ज्यादा हमको बदलना नहीं पड़ा, बिकॉज हमने शुरू से कहा है कि प्राइमरी मार्केट जो थी वो इन्वेस्टर पे इतनी डिपेंडेंट नहीं थी, वो एंड यूजर पे डिपेंडेंट थी जो कि एक होम लोन पे डिपेंडेंट है। तो एज सच प्राइमरी मार्केट को इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और प्राइमरी डेवलपर को इतना फर्क नहीं पड़ेगा। डीमोनेटाइजेशन की वजह से जो साइड इफेक्ट्स हुए हैं उससे रियल एस्टेट को भी फर्क पड़ा है, जैसे कि लेबर वेजेस नहीं दिए गए हमारे से 2 महीने में, कुछ काम स्लो हुए हैं, बट लॉन्ग रन में, शॉर्ट टर्म में ये हुआ है कि हाँ, आज की डेट में सारे कंज्यूमर्स को प्राइम कंसर्न है कि मैं अपने नोट, नए नोट ले लूं। हमारे कंज्यूमर को भी यही है कि मैं जाके बैंक से विड्रॉल कर लूं, जो पुरानी करेंसी का मेरे पास पड़ी है उसको चेंज कर लूं। अभी मकान खरीदने के सोचने के बारे में इतने अग्रेसिव भी वही कह रहा था कि ये सेंटीमेंट लॉन्ग टर्म में क्या है कि हम जानते हैं एक डॉक्यूमेंटेड शॉर्टेज, क्योंकि जिस चीज की आप बात कर रहे हैं वो सेंटीमेंट है और सेंटीमेंट खराब होता है तो उसका इम्पैक्ट सब जगह पर आता है। गोपाल काबरा साहब, सेंटीमेंट की जो बात है, ठीक है, हो सकता है कि प्राइमरी मार्केट में एक अलग तरीके की बात थी, सेकेंडरी मार्केट पे इम्पैक्ट आ जाएगा, लैंड डील्स में इम्पैक्ट आ जाएगा, लेकिन जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट मुझे दिखता है, मुझे वो लगता है कि सेंटीमेंट पे इम्पैक्ट आ गया, और जब सेंटीमेंट खराब होते हैं तो चीजें ज्यादा खराब दिखती हैं। देखिए, अभी का माहौल खाली रियल एस्टेट के लिए नहीं है, लोग अभी कंफ्यूज है कि आगे क्या होगा। वास्तव में है कि हर एक ये सोचता है कि जैसे हम ऑर्गेनाइज प्लेयर है, फॉर एग्जांपल हम लोग, तो हमको लगता है कि आगे हमारा बहुत बढ़िया है। कल भी कुछ लोगों के साथ बैठा था, हम बोला जेम्स एंड ज्वेलरी, तो लोग बोले थे हमको 1.5 साल आगे लेगा, पर लोगों को चिंता कि अभी क्या होगा। लोग अभी और ये आने वाले 2 महीने से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। एक्चुअली एक तरह से क्या है कि एक शोकाकुल सदमा है लोगों के लिए, वास्तव में देखा जाए तो। लेकिन अगर रियल तरीके से देखा जाए तो ये मार्केट अब रियल इस्टेट ये और ज़्यादा मैच्योर हो जाएगा, क्योंकि डीमोनेटाइज होने से और जो काला धन एक साथ में समाप्त नहीं होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि आने वाले 2-3 सालों में ये काला धन लगभग समाप्त हो जाएगा।
कोई सोचता अगर एक दिन में हो जाएगा, प्रधानमंत्री अगर सोचते हैं गलती होने से कालाधन साफ हो जाएगा तो ये नहीं हुआ, तो खाली एक्सचेंज हुआ अभी तो, लेकिन एक्सचेंज के बाद इसका एक और एक्सचेंज होना जरूरी है, लेकिन लोगों में एक विश्वास जमेगा। आज की तारीख में जो रियल इस्टेट में जो काम होगा, अब जो काम होगा, जैसे पहले भी हम कहते थे कि जो अच्छे प्लेयर है उनके लिए कोई तकलीफ नहीं है, तो अब ये अच्छे बिल्डरों को ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो और भी अच्छे हैं। प्रोजेक्ट बिकेगा अब बिल्डर के नाम पर, बिल्डर की लोकेशन पर और प्राइसिंग पर। एक टेम्पररी फेज है, ऐसा लगता है कि 2 महीने के अंदर अंदर वापस लोग घर लेने के बारे में जो सोचना करना, क्योंकि मीडिया ने भी काफी कर दिया है, पेपर ने कर दिया, जैसे 30% भाव कम हो जाएगा। तो पहले तो मैं जानना चाहता हूँ क्या बिल्डर को 30% प्रॉफिट है क्या? जब 30% प्रॉफिट ही नहीं है तो अंडर कॉस्ट में तो कोई नहीं करेगा, ठीक है, फाइनेंशियल प्रेशर के कारण से कुछ लोग शायद दे दे। तो ये जो जितनी भी हवा है, अब उम्मीद ये कर रहे हैं कि 1 जनवरी को जब मोदी जी ने 50 दिन मांगे उसके बाद कुछ नई घोषणा करने वाले, तो मेरे ख्याल से लोग वो 1 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं कि उसमें क्या घोषणा होगी, उसके बाद क्या एक्शन होगा। राइट, तो पंकज साहब, अब ये जैसा कावरा जी ने भी कहा, गीतांबर साहब भी कह रहे थे कि नेगेटिविटी वाली बात आ जाती है, और इन्होंने भी कहा कि 30% का इतना मार्जिन है, तो इसमें कितनी हवा है, कितना सच है? क्योंकि ये जनरलाइज स्टेटमेंट बहुत जगह सुनने को आ रहा है, 20% करेक्शन, 30% करेक्शन, क्या वाकई में ये होता हुआ दिख रहा है? देखिए, बड़ी अच्छी बात बोली कि जब मार्जिन ही नहीं है ऐसा, तो इतना करेक्शन कहाँ से आएगा? और जहां मार्जिन है वो शायद लग्जरी हाउसिंग है और यू नो प्लॉटेड सेल्स हैं, वहां पे है, बट वो कंट्रीब्यूट बहुत कम करते हैं मार्केट का। अगर आप लग्जरी हाउसिंग देख लीजिए, वो 4% है ओवरऑल हाउसिंग मार्केट का, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू में भी 23-24% है। अगर उधर भी कुछ करेक्शन होता है तो उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा पूरे मार्केट के ऊपर होता हुआ नहीं दिखता। ओवरऑल जो सेंटिमेंट की बात करते हैं सर, ये एक वक्त, इस वक्त जो मार्केट है वो रीसेट मोड के ऊपर है कि एक 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 तरीका था जिससे मार्केट आगे चलता था, अब आगे आने वाला जो मार्केट है वो दूसरे तरीके से होगा। और ये रीसेट मार्केट जो अब नेक्स्ट फेज दिख रहा है, तो उसको अगर मैं दो पिछले फेज से अगर कंपेयर करें, तो पिछला फेज था एक प्राइस ग्रोथ का डिकेट था कि अगर आप देखिए पिछला डिकेट था जहां पे रियल एस्टेट में प्राइस ग्रोथ थी और प्राइस बिकता था। जो नेक्स्ट डिकेट दिख रहा है वो हाउसिंग ग्रोथ का है। ये वो पीरियड है जहां पे आपको इन्वेस्टर इतने नहीं दिखेंगे, आपको एक एंड यूजर दिखेगा, और इस पीरियड में आपकी जो आज के दिन इम्बैलेंस बन गया है। आज सबसे बड़ी इश्यूज यही है कि अगर आप देखिए डेवलपर कैश स्टार्व्ड है, कंस्ट्रक्शन डिलेज है, खुद बोलते हैं कॉस्ट बहुत बढ़ गई है, आज की कॉस्ट के ऊपर मार्जिन नहीं है, और कारण यह है कि ये एक इकोनॉमिक इंबैलेंस बना हुआ है जो डीमोनेटाइजेशन की वजह से मुझे लग रहा है कि इकोनॉमिक एफिशिएंसी आने वाली है। okay. जहां पे मैं देखता हूं कि सबसे ज्यादा करेक्शन होने वाला है और सारे बिल्डर्स उसको बहुत ही वेलकम करेंगे, वो होने वाला है लैंड कॉस्ट में। आज की जो लैंड कॉस्ट है वो अनप्रोडक्टिव है अक्रॉस मार्केट। आज आप अफोर्डेबल हाउसिंग करने के लिए आपको सिटी से इतनी दूर जाना पड़ता है कि वहां पे एंड यूजर इंटरेक्ट ही नहीं करता है। ज्यादातर अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट अगर पास्ट में देखेंगे तो उसकी डिपेंडेंसी इन्वेस्टर ही थी, क्योंकि बहुत इतनी दूर जहां पे वहां पे कोई रूटीन नहीं रहने वाला नहीं जाएगा। कारण है कि जब लैंड कॉस्ट कम होती है तो अफोर्डेबल हाउसिंग सिटी के पास आएगी, मोर इंटरेक्टेबल होगी, तो जो स्पेशल इनफिजिबिलिटी थी और इकोनॉमिक इनफिजिबिलिटी थी वो कम होती हुई दिखेगी। उसके साथ एक और पॉइंट बोलना चाहता हूँ कि आज जो मार्केट है वो एक उस पॉइंट ऑफ टाइम का एक वेट करता हुआ नजर आ रहा है, जब मेरे ख्याल से वो आने वाले मंथ में जनवरी फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक और थर्ड वीक में, जैसे ही अगर आप देखेंगे कि थोड़ा इंटरेस्ट रेट कम करता है, गवर्नमेंट अलाउ करती तो है, आता हूं मैं ये इंटरेस्ट रेट वाला चीज को हम टच करते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर गीतांबर साहब के ख्याल है, जो पंकज कह रहे हैं गीतांबर जी की लैंड जो सबसे बड़ा इंग्रेडिएंट है और उसी की वजह से बहुत सारे प्रोजेक्ट महंगे या सस्ते की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि लैंड ही इतनी महंगी पड़ जाती है, तो आप और हम जानते हैं कि लैंड में कैश कंपोनेंट बहुत चलता था, तो डीमोनेटाइजेशन के बाद लैंड डील्स में बड़ा अंतर आएगा, कैश कंपोनेंट बाहर होगा, तो क्या लैंड इससे सस्ती होगी और ओवरऑल इम्पैक्ट भाव पर हम देखेंगे? एक्चुअली आप देखिए कि लैंड का सोर्स, लैंड किसके पास है? लैंड या तो फार्मर के पास है जिससे हम खरीदते थे, या गवर्नमेंट के पास है जो कि ऑक्शन करती थी, या कॉर्पोरेट्स के पास है जो कि लैंड पे उनकी होल्डिंग है, कोई फैक्ट्रीज हैं जो कि आज वो उसको कन्वर्ट कर रहे हैं रेजिडेंशियल में, मास्टर प्लान आ गई, या कुछ डेवलपर्स के पास है जो कि उस पर प्रोजेक्ट नहीं बना सके। तो ये 4 सोर्सेज हैं लैंड के। अब इन चारों में से हम पहले फार्मर की बात करते हैं।
फार्मर को अपनी लैंड बेचने की कोई जल्दी नहीं है, और फार्मर को डिमोनेटाइजेशन या आप उसको फुल चेक में भी दे दीजिए, उनको पैसा, उनको भी टैक्सेबल नहीं है मूल किसान को। सो एज सच कोई उसमें चेक कैश वाली बात नहीं है। फिर आप आ जाइए कॉर्पोरेट्स के पास। कॉर्पोरेट्स अगर प्रेशर में हैं, अगर उनको लिक्विडिटी की जरूरत है, अगर उनके बैंक के लोन्स डिमांड करते हैं कि उनको जमीन बेचने की जरूरत है, तब आपकी लैंड प्राइसेस सस्ती होंगी। लेकिन कॉर्पोरेट्स को भी अमूमन लैंड बेचने की कोई एज सच जल्दी नहीं है, अगर हम एज अ होल बात करें। हाँ, अगर आगे जाके प्रेशर में आए कॉर्पोरेट्स, तो हो सकता है कि यही डील्स हमको सस्ती मिले, और कॉर्पोरेट्स भी पूरा पैसा बाय चेक ही लेते हैं, बिकॉज उनको भी ये मोस्टली उनकी जमीनें मॉर्गेज होती हैं बैंकों को, और वो सीधे पेमेंट बैंक को ही जाती है। तीसरा आ जाइए गवर्नमेंट ऑक्शंस में। गवर्नमेंट ऑक्शंस का क्या है कि वहां पे भी आपका उसमें भी कैश एलिमेंट नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट आपको ऑक्शन करती है जमीन एक बड़े ट्रांसपेरेंट तरीके से। वहां पे भी लैंड की प्राइसेस में हमें करेक्शन इतनी नहीं नजर आ रही। अगर हो जाए तो ये गवर्नमेंट के ऊपर है, वो अपनी बेस रिजर्व प्राइसेस कम करें ताकि बिड्स भी इतनी ऊंची ना जाएं। जैसे मैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा, नोएडा एक्सटेंशन की बात करता हूं, सारी लैंड ऑक्शन में ही हमको मिलती है यहां पे। सो अगर ये प्राइसेस, बेस प्राइसेस कम हो जाएं, तो फिर यस, लैंड सस्ते होने के उम्मीद है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई तीन चार स्टेक होल्डर्स में से कोई भी इस वक्त लैंड के प्राइस घटाने में इंटरेस्टेड है। बाकी रही डेवलपर्स जो प्रेशर में हैं, जो अपनी लैंड बेचना चाहते हैं, अभी उनकी लैंड खरीदने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। तो अब क्या हो रहा है, कंसोलिडेशन हो रही है जेडीज और जॉइंट वेंचर्स के फॉर्म में। तो अगर मेरे पास जमीन है और मैं किसी अच्छे डेवलपर को, मैं भी डेवलपर हूं लेकिन मैं डेवलप नहीं कर पाया अपनी जमीन को, जैसे कि नोएडा में एग्जिट पॉलिसी आई है अभी, तो मैं किसी डेवलपर के साथ जॉइंट वेंचर करूंगा। वहां पैसे की ट्रांजैक्शन नहीं है, वहां एक शेयरिंग, प्रॉफिट शेयरिंग की ट्रांजैक्शन है। तो अगेन वहां पे भी डिमोनेटाइजेशन और नो डिमोनेटाइजेशन ऐसा सच कोई फर्क नहीं है। वो उस डेवलपर जो बेच रहा है उसकी नीड पे डिपेंडेंट है, भाई कितना वो शेयर करने को मुनाफा तैयार है कि नहीं है। सो एज सच अगर हम ज्यादा उम्मीद, हम तो बहुत खुश होंगे अगर जमीन के कीमतें कम हो जाएं। किसी तरह ये होना चाहिए, जमीन की जो बेसिक रॉ मटेरियल है हमारा, इसकी कीमतें कम होनी चाहिए। वो एक ही तरीका है ये कम होने का, वो ये है जो पंकज ने बोला था, दूर दरार के इलाके जहां पे आज जमीन सस्ती है, जो किसानों के पास है और जो मास्टर प्लान में रेजिडेंशियल जोन डिक्लेयर कर दी गई है, वहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाने की जरूरत है। जब तक सड़क या मेट्रो या रेल या बस की भी आते सर्विस, लेकिन चूंकि बात इलाकों में नहीं पहुंचेगी, हाँ, तो बात है वहां जितने मर्जी मकान बना ले वो बिकेंगे नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए ताकि जो आपकी दूर दराज की लैंड है वो भी आप एक्सेसिबल कर पाए। कब्र साहब आप क्या कहेंगे, लैंड मतलब जैसे गीतांबर समझा रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि हाँ सही बात ही बोल रहे हैं। आपका क्या व्यू पॉइंट है, क्या लैंड इसी तरीके से चलती है और यही चार स्टेक होल्डर है, या कहीं और से चीजें बदलेंगी डिमोनेटाइजेशन के बाद और लैंड डील्स में कुछ इंपैक्ट आएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजर स्टेक्स तो ये चार लोगों के पास ही जमीन है, या फिर पुराने राजा रजवाड़े हैं उनके पास कुछ पड़ी हो थोड़ी बहुत, जो अलग सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सभी बिल्डर अभी समझदारी से अगर काम लें और नई जमीनें नहीं खरीदें, क्योंकि वास्तव में सब लीवरेज है, डेप्ट में है, कोई कबूल करता है कोई नहीं कबूल करता है, कि आप समझे कि 99% डेवलपर आज ओवर लीवरेज है। तो जब ओवर लीवरेज होने के कारण से अगर वो नहीं लेते हैं, जब मार्केट में कोई भी हो तो अगर उसका माल नहीं बिकता है तो अपने आप धीरे करके भाव कम करता है, एक स्वाभाविक नियम है दुनिया में। तो रियल लैंड के प्राइस थोड़े तो कम होने चाहिए, बिल्कुल कम की बात नहीं करता हूँ, लेकिन क्योंकि जरूरत तो सबको आगे पीछे है ही है जी। क्योंकि पूरी जो इकोनॉमी हमारे देश में डेवलप हुई है अगर देखा जाए, खास करके आज नॉर्थ में देखा जाए, दिल्ली के आसपास या जयपुर के आसपास, तो उसमें लोगों के पास में रियल पैसा जो हुआ है वो जमीनों की ट्रेडिंग से हुआ है, ना कि कोई व्यापार से हुआ है। तो जमीनी को ट्रेडिंग में हाथ कई घूमते थे, पहले एक जन ने लिया, उसने एक इन्वेस्टर को दिया, उसने आगे इन्वेस्टर को एग्जिट किया, उसने पूरा सर्कुलर जो चल रहा था जमीनों का, बड़े प्लॉट में नहीं, मैं छोटे छोटे प्लॉट की बात करता हूँ। तो आगे चल के करेक्शन, अब जहाँ तक ये और दूर जाने की बात है तो और दूर जो है अभी जो दूर बने हैं उसी में सेल की वास्तव में दिक्कत है, क्योंकि उसमें इन्वेस्टर ज्यादा घुसे थे और एक्चुअल कम आए थे। तो और दूर तो मेरे को लगता है कि अभी बहुत समय कम है, लेकिन उससे अच्छा अगर सरकार एफआर बढ़ा दे और एफएसआई बढ़ा करके कंज्यूमर के और बिल्डर को इसमें दोनों को लाभ होके भी एक रास्ता है कि जिसमें जमीन का भी उपयोगिता बच गई, जमीन कम उपयोग हुई
उसको बाहर निकला सकता है। राइट, तो इसमें एक पंकज कुछ से रिला रहे, मैं आपके पास आ रहा हूँ पंकज, लेकिन एक मेरे दिमाग में जो प्रश्न आ रहा है मैं चाहता हूँ गीतांबर से पूछूं। गीतांबर ये बताएं आप हमें कि इस वक्त जिस तरह का सिचुएशन आ गया है, पंकज भी कह रहे हैं और हमें भी लगता है कि अब जो लग्जरी हाउसिंग थी जहां पर भी हम जानते हैं कि ट्रांजेक्शन तो होते थे ब्लैक व्हाइट वाले, कैश कंपोनेंट काफी होता था, तो क्या बहुत सारे डेवलपर वहां से हटके पूरा फोकस अपना मिड हाउसिंग या अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ शिफ्ट करेंगे, और अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली सप्लाई बढ़ेगी और दाम पे इंपैक्ट आएगा? देखिए विपिन, मैं आपको पूरे डिमांड के पिरामिड को अगर आप देखें तो कोई भी इंटेलिजेंट डेवलपर किसी एक जोन में काम नहीं कर रहा है। मैं इंटेलिजेंट डेवलपर की बात कर रहा हूं, वो तीनों जोन में प्रेजेंट होता है। थोड़ा सा काम लग्जरी में करता था, थोड़ा काम हायर इनकम हाउसिंग में करता था, थोड़ा मिड इनकम में, और हो सकता है कि लोअर इनकम में भी करता हो। सो एज सच ये जो परसेप्शन है कि सारी लग्जरी हाउसिंग में कैश कंपोनेंट होता था, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल अनफाउंडेड है, इसका कोई बेस नहीं है। प्लॉटेड डेवलपमेंट की सेल में, रीसेल मार्केट में जरूर काफी कैश कंपोनेंट का होता था, जहां ट्रेडिंग होती थी लैंड की या स्टॉक की, इवन सेकेंडरी मार्केट में जब फ्लैट्स की ट्रेडिंग होती थी तब होता था। लेकिन आप मानिए कि लग्जरी हाउसिंग में भी आज की डेट में लोग लोन लेके उस लग्जरी हाउस को खरीदते हैं। आप बॉम्बे में अगर आप देखें तो अगर आप टिकट साइज देखिए हाउस का अगर 10 या 12 करोड़ का, क्या आपको लगता है वो आदमी लोन नहीं लेगा? जरूर लेगा। तो उसको कैश देने की जरूरत क्या है और कहां से लाएगा वो? ये सारे एम्प्लॉयड लोग हैं, एमएनसी के सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं, ये कहां से लेके आएंगे कैश? और ये लग्जरी हाउसिंग ही लेते हैं। हर जगह आप गुड़गांव में देखिए, चाहे आप अरालिया में देखिए, कमिलिया में देखिए, मैग्नोलिया में देखिए, प्रोफाइल देखिए बायर की, बिजनेस क्लास लोग तो है ही नहीं, मोस्टली सेल्फ एम्प्लॉयड एमएनसी अपर लेवल एग्जीक्यूटिव हैं। तो वेयर इज द क्वेश्चन ऑफ कैश? लेकिन जैसे आपने मेरे से प्रश्न पूछा, ये पूरा अगर कोई आदमी उसी सेगमेंट में काम कर रहा है कोई डेवलपर, तो उसको वहां डेफिनेटली पेन आएगी कि भाई सारा वॉल्यूम ही उसका ऊपर टॉप ऑफ द पिरामिड में कॉन्सेंट्रेटेड है। अगर आपका पूरा जो कंपनी का जो आपका पूरा मैप है ये ऊपर पिरामिड में पूरा स्प्रेड है, तो आपको एज सच इतनी पेन नहीं आएगी, क्योंकि आप टॉप में हो सकता है अपने पूरे पोर्टफोलियो में, हो सकता है आप 10% काम ऊपर कर रहे हैं। तो आज अगर वो मार्केट स्लो होती भी है तो हमें फर्क नहीं पड़ता, वहां काम स्लो हो जाएगा और माल अभी क्योंकि बिका नहीं, इसलिए कोई ऐसा स्ट्रेस नहीं है। मैं दूसरी बात पे आना चाह रहा हूं, गोपाल भाई ने बड़ी अच्छा पॉइंट रेज किया कि अगर एफएआर रेज कर दिया जाए तो हो सकता है कि जमीन की कीमतें कम आ जाएं। पर गोपाल भाई मैं ये कहना चाहूंगा अपने पूरे दर्शकों को भी और अपने पैनलिस्ट को भी, आज की डेट में एफएआर अगर इंक्रीज भी कर दिया तो अगर अब परचेजेबल एफएआर के फॉर्म में वो एफएआर आता है उसको एक्सप्लॉइट करना नामुमकिन होगा, क्योंकि जो रेरा है वो कहता है कि आपको अगर और एफएआर मिलता है, आपको अगर इसको एक्सप्लॉइट करना है अपनी स्कीम में, आपको एटलीस्ट 2/3 ऑफ द पीपल का एनओसी लेना होगा। वो नहीं मिलेगा कभी भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए एफएआर आज जिस प्रोजेक्ट में ऑलरेडी 2-3 टावर लॉन्च हो चुके हैं और अगर 10 टावर लॉन्च होने हैं उनमें अगर एफएआर और मिल भी जाता है तो कोई फायदा नहीं। अगर एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट में एफएआर मिलता है तो वो एफएआर फ्री नहीं मिलता, उसकी भी कॉस्ट होती है, उस एफएआर को परचेज किया जाता है। सो अगर जमीन को सस्ता करना है, एफएआर को सस्ता करना है, तो गवर्नमेंट को अपने रेट्स, जैसे हम कितने सालों से लड़ रहे हैं कि रेडी रेकनर रेट्स या सर्कल रेट ये जो अनरीजनेबली बढ़ाए जाते हैं, इनको कम करने की जरूरत है, क्योंकि ये रेट्स जो हैं बड़े अनसाइंटिफिक तरीके से बढ़ाए जाते हैं, रैंडमली बढ़ाए जाते हैं। जब तक इनको कम नहीं किया जाएगा आपकी लैंड कॉस्ट, आपकी एफएआर कॉस्ट, एफएसआई कॉस्ट कम नहीं होगी। पंकज अब ये लंबी हो गई बातचीत, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ जैसा गीतांबर कह रहे हैं, तो क्या रियल स्टेट में काला धन है? किसी भी तरीके से मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये एक परसेप्शन ज्यादा है या रियलिटी ज्यादा है, कैसे समझे इसको? मैं ये बोलूंगा कि अगर आप 2 साल पहले देखेंगे, बिफोर 2 साल पहले तो ज्यादा था, लेकिन पिछले 2 साल में धीमे धीमे कम हो गया। और उसका रीजन भी है कि पिछले 2 साल से अगर आप देखिए तो जो इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन इस मार्केट में बहुत कम हो गया। आज के दिन ज्यादातर मार्केट पिछले 2 साल से ड्रिवन है अफोर्डेबल हाउसिंग और मिड सेगमेंट के अंदर। तो उसके अंदर अगर आप देख लीजिए तो ज्यादातर पार्टिसिपेशन जो है वो सैलरीड क्लास ही कर रहा था। लग्जरी हाउसिंग में बिल्कुल
आज भी मानता हूं कि जो बिजनेसमैन होते हैं, एंटरप्रेन्योर होते हैं, कुछ एक सेगमेंट हैं जो टॉप एग्जीक्यूटिव हैं, बट वो लिमिटेड हैं कितने घर वो खरीदेंगे और जितना सामान, जितना माल पड़ा हुआ है। तो आज अगर आप डिपेंडेंसी लग्जरी हाउसिंग की देख लीजिए तो टॉप एग्जीक्यूटिव के अलावा उनकी बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी होती है जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, ट्रेडर होते हैं और सेल्फ और वहां पे अच्छी खासी जो है इस तरीके का कैश का कंपोनेंट होता है। लेकिन मैं एक बड़ा अच्छी सी बात उठाता हूं जो गीतांबर ने बोली कि आज अगर लैंड में कैश नहीं है, क्योंकि उन्होंने सारे तथ्य बता दिए कि कॉरपोरेट हैं और गवर्नमेंट की नीलामी होती या एग्रीकल्चर लैंड है और कहीं पे भी कैश अगर इन्वॉल्व नहीं है तो इसका मतलब है प्राइजेस जो है वो प्राइस करेक्ट है। अगर ये प्राइस करेक्ट है जिसके ऊपर आज की अगर हम देखते हैं कि स्ट्रेस है मार्केट में, अनसोल्ड इन्वेंट्री है और उस हिसाब से सेल्स उतनी नहीं है, एंड दैट्स अ बेसिक रीजन कि उसका उसका फुलफिलमेंट नहीं हो रहा, उसका कंस्ट्रक्शन का कमिटमेंट नहीं हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन इससे ये उठता है कि अगर गवर्नमेंट को हाउसिंग फॉर ऑल करना है, बड़ा सिंपल है कि आज मार्केट में 300,000 यूनिट बिकती है सेकेंडरी एंड प्राइमरी मिला करके, और मेरे पास अगर प्राइमरी में अनसोल्ड इन्वेंट्री अगर 11,00,000 यूनिट है, 300,000 यूनिट अगर साल की बिक रही है और 11,00,000 का मतलब है 40-42 मंथ्स की इन्वेंट्री जो मार्केट के लिए अनसस्टेनेबल, बिल्डर विल नेवर जनरेट एनफ कैश टू टेक केयर ऑफ दिस इन्वेंट्री। सो सेल्स जो है ये बढ़नी चाहिए। आज के मार्केट में जब अगर 11,00,000 की इन्वेंट्री मार्केट इस प्राइस के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है, तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 1 करोड़ होम्स बनाने हैं और 1,80,00,000 होम बनाने हैं, तो अगर वो सप्लाई मार्केट में होगी तो आज की जो इकोनॉमिक जिसके अंदर लैंड और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पड़ी हुई है तो वो अनफुलफिल है, वो हो ही नहीं सकती। और मुझे ये लग रहा है कि अगर बेनामी प्रॉपर्टी देख लीजिए, डीमोनेटाइजेशन देख लीजिए, इसका एक सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि अगर गवर्नमेंट को हाउसिंग फॉर ऑल फुलफिल करना है तो कॉस्ट एफिशिएंसी करनी है। जो कंपोनेंट वाली बात हो रही थी काबरा जी, आप उस समय हंस रहे थे, मैं आपकी भी राय इस पर जानना चाहता हूं कि कैसे समझे, क्योंकि बहुत सारा तो परसेप्शन में, हम तो जाके डील करते नहीं है, तो कितना है कितना नहीं है। नहीं, पहली बात तो क्या है कि परसेप्शन है बराबर, हाँ? और बिल्कुल नहीं है, ऐसी बात भी नहीं है जी बराबर। लेकिन इसमें यह है कि कौन से एरिया में, कौन से सेक्टर में जी, जैसे आज बैंगलोर है फॉर एग्जाम्पल, वहां पे 4-4.5 हज़ार का जहाँ भाव होता है और जो बल्क बिकता है माल, जैसे आपके 2,000 फ्लैट या 1,000 फ्लैट या 1,500 फ्लैट प्रोजेक्ट में, वहां नहीं होता है सेल में जी। आई एम नॉट परचेस, हम रॉ मटेरियल की बात नहीं कर रहा, मैं फिनिश गुड्स की बात कर रहा हूँ, या थाना में जो प्रोजेक्ट चलते हैं जो एक साथ में आपके बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, तो उसमें क्योंकि आपके आदमी हैंडल करते हैं और डील करते हैं तो वहाँ सब नहीं होता है। तो हमको देखने की बात है कि जितने भी बड़े बिल्डर हैं, नाम हम सबके फेमस होते हैं, सिर्फ मेरे को ऐसा लगता है कि जो लग्जरी अपार्टमेंट है उसमें सारे बिल्डर अपने ब्रांड क्रिएशन के कारण से उसमें ज़्यादा गए। रियल में वॉल्यूम जो होता है, जैसे बैंगलोर में अगर आप देखिए शोभा है या मंत्री है या प्रेस्टीज है या जैसे अपना एनसीआर में एटीएस है, गीतांबर जी है या बाकी जो बिल्डर है, इनका अगर आप मेजर टर्नओवर देखेंगे तो वो मीडियम स्केल में जाएगा। तो मीडियम में तो कैश, सेल में तो कैश का काम नहीं है। अब ये लग्जरी में थोड़ा बहुत है कहीं नहीं है, ये भी सिटी टू सिटी डिपेंड करता है। जैसे अगर आप बैंगलोर में देखेंगे या गुड़गांव में देखते हैं या नोएडा में अगर आप देखते हैं, तो आज की तारीख में जो ज्यादा हाउसिंग लेने वाले हैं वो सर्विस क्लास और सैलरी क्लास ज्यादा है, जहाँ उनके पास कैश कंपोनेंट का नहीं है, जहाँ व्यापारी या एंटरप्रेन्योर है वो कोशिश करके अपना कहीं ना कहीं एडजस्ट करने में लगता है। तो लेकिन अगर आप ओवरऑल अगर वॉल्यूम देखते हैं आज की तारीख में जी, अगर पूरे हिंदुस्तान का, तो 70% जो फ्लैट ले रहे हैं वो लगभग सर्विस क्लास ले रही है, और वो 70% में नहीं, अब 30% तो छूट चलिए, लेकिन इस 30% का क्या इम्पैक्ट आएगा, अब थोड़ा क्योंकि चर्चा को अंत की तरफ ले जाते हैं। गीतांबर जी मुझे ये बताइए, ये जानना चाहेंगे कि एक हो गया डीमोनेटाइजेशन, नए साल में जाते जाते लगता है कि अब इंटरेस्ट रेट भी घटेंगे, ठीक ठाक घट सकते हैं, रेरा इंप्लीमेंट होना शुरू हो गया, अलग अलग स्टेट उस पर काम करना उन्होंने शुरू कर दिया, हम उसे कानून के तौर पे भी आते हुए देखेंगे, आगे चलते हुए हमें जीएसटी भी आता हुआ दिखाई देगा, तो इन्हें बहुत सारे फैक्टर्स होंगे जो एक साथ काम कर रहे होंगे, इसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या आएगा रियल स्टेट के ऊपर?
तो मेरा ये मानना है कि सबसे पहले जो सप्लाई साइड है, जो हमारे डेवलपर साइड है, इनको और कंप्लायंट होना पड़ेगा, गवर्नेंस को बेटर करना पड़ेगा, और उसकी एक कॉस्ट है, 100% एक कॉस्ट है। तो हमारी इंटरनल कॉस्ट बढ़ेंगी, जैसे अब प्रोविडेंट फंड ईएसआई की कॉस्ट हमने कैलकुलेट करी, मिनिमम वेजेस, प्रोविडेंट फंड और ईएसआई की कॉस्ट करीब 100 रुपीज स्क्वायर फुट बढ़ जाएगी सबकी। सो हर चीज को कंप्लायंट होने में लीगल, आपको अपने रेरा आने के बाद हर ऑर्गेनाइजेशन को अपने अंदर एक रोबस्ट सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, एंड एक रोबस्ट लीगल सेल बनाना पड़ेगा, उसकी भी कॉस्ट है। सो आने वाले वक्त में हमारी साइड से कंप्लायंट होना पड़ेगा, वेल गवर्न्ड होना पड़ेगा, और कॉस्ट बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। इसका एक और फॉलोआउट ये होगा कि बहुत से अनऑर्गेनाइज जो डेवलपर्स थे वो इस काम को करने में बहुत कठिनाई पाएंगे, तो इसलिए हो सकता है कि वहां से सप्लाई आपकी बंद हो जाए और नई फ्रेश सप्लाई ना आए। तो अब आपकी हर ज्योग्राफी में जितनी सप्लाई आती थी ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से आपकी सप्लाई काफी हद तक खत्म हो जाएगी रेरा आने के बाद। इससे क्या होगा, जब सप्लाई कम होती है, एक डॉक्यूमेंटेड हाउसिंग की शॉर्टेज है, 2 करोड़ मकान इन 7 और 8 मेट्रोज, और आपके टियर 3 टियर 4 में करीब 4 करोड़ मकानों की शॉर्टेज है। तो अब जब सप्लाई आपकी शॉर्ट हो गई और सप्लाई नई लॉन्चेस हो नहीं रही, ये बार बार सारे सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि नई लॉन्चेस शॉर्टफॉल हो गई, अब नहीं हो रही, 2015 में 14 में इतनी हुई, 15 में इतनी हुई, और कम होती जा रही हैं, तो नई लॉन्चेस नहीं हो रही, सप्लाईज कम हो गई, तो इसका, और यहाँ पे एक डॉक्यूमेंटेड शॉर्टेज है, डिमांड है, तो आप ये मानिए कि धीरे धीरे 2017-2018 में जाके जैसे जैसे सप्लाई कम होगी और डिमांड रहेगी, स्टैंड करेगी जब जो शॉर्टेज है, तो थोड़ा थोड़ा हमारी उम्मीद है जो अच्छे डेवलपर हैं, जो अच्छी लोकेशन में काम कर रहे हैं, जो आज की डेट में अच्छी लोकेशन मानी जाती है, वहां भाव बढ़ने की जरूर संभावना है। सो हम इन कस्टमर्स को यही बार बार, मैं तो यही अपील करता हूं एक बड़ी लॉजिकल तरीके से, कि आने वाले वक्त में सब आपके जो भाव थोड़े बढ़ने की उम्मीद है, तो अभी अगर आपका मन है एक एंड यूजर होने के नाते एक मकान खरीदने का, इससे बेटर वक्त नहीं हो सकता। आने वाले वक्त में विपिन इस इंडस्ट्री में बहुत स्कोप है, क्योंकि ये शॉर्टेज डॉक्यूमेंटेड है। अगर कोई रियल एस्टेट डेवलपर कंप्लायंट है, वेल गवर्न्ड है, उसके पास एक ऑर्गेनाइजेशन है और एग्जीक्यूशन करने की कैपेसिटी है, तो उनके लिए ये बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है, क्योंकि इतनी सारी जो डिमांड, जो अभी डॉक्यूमेंटेड शॉर्टेज है, इतनी सारी डिमांड पूरी करनी है हाउसिंग फॉर ऑल में, तो ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो बहुत ही अच्छा वक्त है ऐसे डेवलपर्स के लिए। तो बाकी और मैं यही कहूंगा दोबारा कि रेरा आने के बाद जो आपकी रियल एस्टेट सप्लाई है 100%, इसमें कुछ देर के लिए थोड़ा कट शॉर्ट होगा, सप्लाई में कट शॉर्ट होगा, नई लॉन्चेस और कम होंगी, इसलिए भाव उससे भी बढ़ने की संभावनाएं हैं। पंकज, लेकिन अगर इससे भी ज्यादा भाव बढ़ गए, जो भी रीजन है कि रेरा में कंप्लायंस होना पड़ेगा और उससे कॉस्टिंग तो उसकी होती है उस कंप्लायंस की, तो जब मौजूदा भाव पे लगता है कि कहीं दिक्कत है, तो क्या जब और बढ़ेंगे तो क्या होगा? क्या मेरे ख्याल से मार्जिन पे और इम्पैक्ट आएगा अगर भाव बढ़ते हैं, और मैं कंप्लीटली एग्री नहीं करता। मैं बोलता हूँ कि कभी भी कोई भी इंडस्ट्री में जब कोई चीज ऑर्गेनाइज होती है, एफिशिएंट होती है, तो भाव कम ही होते हैं। आज सबसे बड़ी बात यह कि डिमोनेटाइजेशन और रेरा की बात कीजिए, तो अगर आप सबसे बड़ी चीज इसमें यही उभर के आती है कि करप्शन कम होगा। आज रियल इस्टेट के अंदर प्रोजेक्ट डिले होता है, उससे कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ता है, करप्शन कॉस्ट अच्छी खासी है। आज कई सारे डेवलपर हैं, अगर आप 1-to-1 बात कीजिए, तो वो बोलेंगे कि 100 रुपीज से लेकर के शायद 2000 रुपए तक की कॉस्ट है, डिपेंडिंग अपॉन जो प्राइस है, वो करप्शन की कॉस्ट है रियल इस्टेट के अंदर। तो अब वो कम अगर होता है, क्योंकि एक पारदर्शिता, एक ट्रांसपेरेंसी और उसके थ्रू अगर काम होगा, तो मेरे को नहीं लगता कि ओवरऑल एस्पेक्ट्स में प्राइस बढ़ने वाला है और कॉस्ट बढ़ने वाली है, और वो और आपके पास वो स्कोप है कि ये कॉस्ट आप किसी को पास ऑन कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि मैं एक इंटरप्ट कर रहा हूँ, गीतांबर जी, मान लिया कॉस्ट बढ़ भी गई और तमाम कारणों के कारण और शॉर्टफॉल ऑफ डिमांड सप्लाई मिसमैच होने के कारण, लेकिन क्या वो बढ़ी हुई कॉस्ट अफोर्डेबिलिटी के दायरे में आएगी, मतलब लोग खरीद पाएंगे, क्योंकि अभी मुझे रुके हुए दिखते हैं? ऐसा नहीं है विपिन जी, ये आप मानिए लोग ये सोच के बैठे हैं कि प्राइसेस कम हो जाएंगी, पर क्या प्राइसेस कम हुए? बिल्कुल नहीं कम हुए। मैं बार बार यही कहता हूं कि एक बायर घर खरीदने जाता है और अखबार में एक दिन वो जा रहा है सुबह घर खरीदने, अखबार में आर्टिकल आता है अभी मत खरीदो, कॉस्ट गिरेंगे, लेकिन कौन से कॉस्ट कम हुए गए? जब स्कोप ही नहीं है कॉस्ट कम करने का, कॉस्ट कम नहीं होंगे,
आगे जाने वक्त में जब इनपुट कॉस्ट बढ़ेगा तो वो कॉस्ट आगे कंज्यूमर पे ही लोड किया जाएगा। इसलिए जब सप्लाई ही कम है और इनपुट कॉस्ट बढ़ रहे हैं तो नेचुरली वो प्राइस कस्टमर को देना पड़ेगा। इसलिए ये कोई चैलेंज नहीं है कि आज माल कॉस्ट की वजह से नहीं बिक रहा। अगर आज माल, विपिन मेरी बात सुन लीजिए, कॉस्ट अगर माल नहीं बिक रहा, पीछे इसलिए नहीं बिक रहा था क्योंकि एक ट्रस्ट डेफिसिट था, लोगों को विश्वास नहीं था कि मैं अगर इस प्रोजेक्ट में पैसे डाल रहा हूं ये प्रोजेक्ट बनेगा अभी कि नहीं बनेगा, वक्त पे बनेगा कि नहीं बनेगा। लेकिन अब जो जहां पे उनको वो ये विश्वास है कि ये प्रोजेक्ट अच्छा है, लोकेशन ठीक है और ये जरूर बनेगा, डेवलपर अच्छा है, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, वहां वो डेवलपर से ज्यादा नेगोशिएट नहीं करते और वहां डेवलपर को प्रीमियम भी मिलता है। सो इसलिए ये कोई बात नहीं है कि लोग वेट कर रहे हैं कॉस्ट कब होगा, ये सबको ये बात काफी हद तक क्लियर हो गई है कि अब भाव नहीं घटेंगे। इसलिए मुझे नहीं लगता कि आगे जब भाव बढ़ेंगे और वो जब हम उनको इंक्रीज रेट्स पे हम कस्टमर को ऑफर करेंगे तो वहां पे कोई दिक्कत आएगी, मुझे ये बात बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं लगता। मुझे प्राइस जो है जी वो नहीं बढ़ने में ही डेवलपर की समझदारी है और अपने कंज्यूमर के लिए समझदारी है। अगर आप देखा जाए तो पूरे इंडिया का एवरेज बात कर रहा हूँ क्योंकि आप क्रेडाई परसेंट ऑल इंडिया इसलिए बात कर रहा हूँ मैं आपको कि रेडी फ्लैट और बुकिंग में जो प्राइस डिफरेंस है वो भी बहुत ज्यादा है। आप मैंने कहीं भी जब अगर बुकिंग रेडी फ्लैट और फ्लाइट में प्राइस ज्यादा होता है, इसका मतलब साफ मन होता है कि फ्यूचर इज ऑन डाउन ट्रेड, इट्स अ लॉजिक। कमोडिटी में भी जब हमारा होता है कि 6 महीने बाद का कॉपर नीचे दिखता है, इसका मतलब कॉपर नीचे आएगा। तो रेडी और इसका बुकिंग का फर्क है, तो इससे निश्चित रूप से है कि भाव नहीं बढ़ने में ही समझदारी है। कुछ जितनी कॉस्ट गिदाम्बर जी बात कर रहे हैं रेला आने से बढ़ेगी और सब करेगी, तो ये भी हमको सोचना है कि आज के ज़माने में हाउ वी कैन बिकम द लोवेस्ट कॉस्ट मैन्युफैक्चरर्स। से आज ग्लोबल ट्रेंड क्या चल रहा है कि लोग अपनी कॉस्ट को बढ़ने नहीं देते, रॉ मटेरियल के बावजूद ऑपरेशनल कॉस्ट को नीचे लाना है। जो इनके प्रोजेक्ट जो 3 साल में पूरे होते हैं, इनको 2.5 साल में पूरा करना है। तो 3 साल का प्रोजेक्ट अगर 2.5 साल में पूरा होता है तो भी जो 6 महीने का पूरा इंटरेस्ट और सारी कॉस्ट से प्राइस कम, द कॉस्ट विल कम डाउन बाय डूइंग इनोवेशन। और सभी डेवलपर को अपनी इनोवेशन को थीम रखते हुए, चाहे वो सेल्स में हो, चाहे मार्केटिंग में हो, चाहे फाइनेंस में हो, चाहे कॉन्ट्रैक्टिंग में हो, चाहे कंस्ट्रक्शन में हो, वो इनोवेशन के माध्यम से ही कॉस्ट कम करके इस इंडस्ट्रीज को सर्वाइव करना पड़ेगा। क्योंकि अब ये बिजनेस को डेवलपर के बदले इसको इंडस्ट्रीज की तरह चलाना पड़ेगा, तब जाकर के ये सबके लिए विन विन सिचुएशन होगा। क्योंकि प्लेयर कम होने वाले निश्चित है, और जब गीता मजी मानते, मैं ही मानता हूँ कि प्लेयर कम होंगे। नहीं, एक बात गीता मजी, एक मिनट, जब प्लेयर आपके कम हो जाएंगे तो आपके पास स्कोप है कि आपका काम बढ़ेगा ऑर्गेनाइज प्लेयर का। जब ऑर्गेनाइज प्लेयर का उसी ताकत में आपका काम बढ़ेगा तो नेचुरली आपके इनडायरेक्ट कॉस्ट कम होंगे, एंड वी शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड। जी गीतांबर, आप कुछ कह रहे थे। दूसरा गोपाल जी, मैं ये कहना चाहता हूं विपिन के, जब तक टैक्सेस की रैशनलाइजेशन नहीं होगी, अब गोपाल भाई को अपनी इंडस्ट्री के लिए लोन मिलता है बैंक से 8-9% पे या अंडर 10% पे, हमको मिलता है 14% पे, 15% पे। जब तक हमको इनके पार पैसा नहीं मिलेगा, सस्ता पैसा, जब तक हमारे टैक्सेस की रैशनलाइजेशन नहीं होगी, आपको हैरानी होगी ये बात सुन के कि करीब 300 से 350 रुपए स्क्वायर फुट हमारे टैक्सेस हैं रियल एस्टेट में। तो जब तक ये सारी चीजें रैशनलाइज नहीं होंगी और जब तक हमारे इंटरेस्ट कॉस्ट जिस भाव पे हम पैसा बोरो करते हैं, जब तक वो सस्ते नहीं होंगे, तो हम वन साइडेड अपनी जेब से पैसा देके बिजनेस नहीं कर सकते। तो ये हमको एट पार लाना चाहिए विद मैन्युफैक्चरिंग। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की तरह काम कर रहे हैं तो उस लेवल पे सरकार को हमको लाना पड़ेगा। आपको गोपाल भाई को एक सब्सिडाइज जमीन मिलती है फैक्ट्री लगाने के लिए, हमें सब्सिडाइज जमीन नहीं मिलती। गोपाल भाई को सस्ता बैंक से लोन मिलता है, हमें नहीं मिलता। कुछ टैक्स ब्रेक्स मिलते हैं गोपाल भाई को, हमें नहीं मिलते। सो इसलिए जब तक ये एट पार हमें नहीं लाएंगे फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग के, तो वी कैन नॉट टॉक ऑफ रैशनलाइजेशन ऑफ प्राइसेस फ्रॉम वन साइड ओनली, क्योंकि हम इस बिजनेस में पैसा कमाने के लिए हैं, रैशनली कमाने के लिए हैं, और इसमें कोई गलत चीज नहीं है जो हम मांग रहे हैं। आई एग्री विद गीतांबर जी। गीतांबर, देखिए कि इंडस्ट्रीज को भी कोई सुविधा नहीं है और इंटरेस्ट रेट भी आजकल क्रिसिल की रेटिंग के हिसाब से होने लग गया। हमारी खुद की 5 कंपनी है, 5 कंपनी में अलग अलग ब्याज दर चलता है। तो ये क्रिसिल सी बेसिकली ये आपको बताता हूँ, इससे फ्यूचर ना हो। आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, कुछ लोग आपके जो मित्र हैं कोई काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं, आपको तो 13-14 मिल रहा है, यहाँ पर हमारी बिरादरी वाले लोग 30-30 पैसा ले रहे हैं, तो आप समझिए ना। तो यू आर द बेस्ट अचीवर।
जो चीजें हैं कि आपको महंगा, जब सारे इंग्रेडिएंट ही आपके महंगे हैं तो आपकी जो डिश बनेगी वो भी महंगी हो जाएगी, ऊपर से आप अभी करप्शन कॉस्ट की भी बात कर रहे थे, वो ठीक है ररा आएगा, देखेंगे अभी इंप्लीमेंट होना है और क्या होगा कैसे चलेगा आगे की बातें, लेकिन ये इक्वेशन बैलेंस कहां हो गया, ऐसे तो कभी बैलेंस दिखता ही नहीं है। देखिए हर तरफ से रैशनलाइजेशन की जरूरत है। अगर आप गीतांबर बोल रहे थे कि भाव बढ़ेगा, पिछले 3 साल से भाव नहीं बढ़ा और इसी के कारण डेवलपर का मार्जिन कम हो गया। एक वक्त पे डेवलपर 50% के रिटर्न ऑन इक्विटी पे काम करता था, आज 11-12% से ऊपर का निकाल पाना बहुत डिफिकल्ट हो गया। और ये कारण यही है कि पिछले 3 साल से भाव नहीं बढ़ा, कॉस्ट बढ़ती चली जाए। और मैं कंप्लीटली एग्री करता हूँ, अगर आप मुंबई की बात कीजिए, 400% से जो है रेडी रेकनर के भाव बढ़ने की वजह से जो प्रीमियम डेवलपर भरते हैं गवर्नमेंट को वो बढ़ गए। तो कई जगह पे जैसे गवर्नमेंट है वो एक्सप्लॉयटेटिव थी, लाइक जो पास्ट में डेवलपर एक्सप्लॉयटेटिव था इस डिमांड का लेकर के, और इसी की वजह से कॉस्ट क्राइसिस है। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमें प्राइस में तो रैशनलाइजेशन चाहिए और वो शायद इंटरेस्ट रेट कम करेगा। और मैं ये भी बात कर रहा हूँ कि एक वो पॉइंट ऑफ टाइम जब इंटरेस्ट रेट कम होता है और मुझे लग रहा है कि डेवलपर भी कुछ ना कुछ डिस्काउंट लेके आएंगे टू स्टिमुलेट दिस सेल, और वो एक अपॉर्चुन टाइम मुझे एक और 1.5 महीने में आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट्स है कि कॉस्ट का रैशनलाइजेशन होना, गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कि वो टैक्सेस कम करें। एक और पॉइंट है, मैं बहुत सारे लोगों से मिलता रहता हूँ और गवर्नमेंट में भी ये सोच बन गई है कि अनसोल्ड इन्वेंट्री जो है वो वैकेंट रेडी होम्स हैं, और ये शायद गीतांबर एग्री करेंगे यहाँ पे, और ये शायद बड़ा एक क्वेश्चन मार्क होता है। और यही कारण है कि वो वैकेंट रेडी होम होने की वजह से अगर आप देख लीजिए रियल इस्टेट के अंदर आपका सर्विस टैक्स और वैट दोनों लग रहा है, और कहीं ना कहीं ये बड़ी क्वेश्चन मार्क ये हो रही है कि शायद जो पॉलिसी मेकर्स हैं वहां पे बहुत बड़ा जो है कंफ्यूजन है, वो इसको क्या समझते हैं। जो अनसोल्ड इन्वेंट्री होती है डिफरेंट स्टेज ऑफ कंस्ट्रक्शन पे होती है, अभी भी बिल्डर रेडी इन्वेंट्री रखता ही नहीं है, और यही कारण है कि डिले होते हैं, कि अगर सेल स्लो होती है तो उसके अंदर उसका कंस्ट्रक्शन का पेस भी स्लो होता है, अप्रूवल और दूसरी चीजें तो अलग से हैं। तो इस तरीके से मैं देख रहा हूं कि कुछ हद तक जो पॉलिसी मेकर हैं उन्होंने रियल एस्टेट को डिफरेंट ढंग से देखा, एक प्राइस के हिसाब से देखा, उन्होंने ये सोचा कि प्राइस तो 3000 का थोड़ा चेंज आने की जरूरत है, बहुत जरूरत है। राइट, चलिए अंडरस्टैंडिंग, मेरे ख्याल से हमें जितनी बात करनी थी उससे हमने दुगनी बात कर ली समय सीमा से आगे बढ़ते हुए। आखिरी मैं आप तीनों के 30-30 सेकंड के कमेंट लूंगा कि 2017 में आप इसे कैसे देख रहे हैं, ताकि हमारे दर्शक किसी कंक्लूजन पे पहुंचे। पहले काबरा जी आपसे शुरुआत कर रहा हूँ, 2017 के लिए रियल एस्टेट में आप क्या देख रहे हैं? 2017 में मैं जो देख रहा हूँ कि वॉल्यूम बढ़ेगा, मैं प्राइस की बात नहीं करूंगा, क्योंकि जो ये घरों में एक सेविंग का पैसा भी जो लेडीज का निकला वो भी 1.5-2 लाख करोड़ मार्केट में आएगा, या तो शेयर मार्केट में जाएगा या रियल स्टेट में जाएगा। मेरे को ऐसा लगता है कि छोटी छोटी कमर्शियल प्रॉपर्टी जो लेडीजों की सेविंग बची हुई अपने पति को देगी नहीं वो पैसा है, तो वो पैसा वो लोग कमर्शियल प्रॉपर्टी लेके भाड़े पे लगाएंगे ताकि उनकी सेव भी हो जाए, रेवेन्यू हो जाए, इसलिए वॉल्यूम बढ़ेगा। राइट, गीतांबर जी आपका क्या टेक रहेगा? मेरा ये टेक रहेगा विपिन कि जब तक हम इस बजट से बहुत उम्मीद रख रहे हैं, जब तक हमारे बायर को इनेबल नहीं किया जाएगा कुछ इंटरेस्ट सबवेंशन देके, जब तक इंडस्ट्री को नहीं इनेबल किया जाएगा कि वो और सप्लाई लेके आए, जितनी ज्यादा सप्लाई आती है मार्केट में उतने ही भाव रैशनलाइज होते हैं, जब तक ये दोनों चीजें नहीं होंगी तो मुझे लगता नहीं है कि आपके जो कस्टमर हैं उनको एक अच्छी डील मिल सकती है, मुझे नहीं लगता ये। सो इस बजट में हम होप कर रहे हैं कि दोनों साइड्स को, सप्लाई साइड और बायर साइड को, दोनों को इनेबल किया जाएगा कि वो इस प्रोडक्ट को और रैशनलाइज बना के करके लेके आए एक अच्छी प्राइस में, और बायर को इनेबल किया जाएगा कि वो एक सस्ते दरों में उसको होम लोन मिले ताकि वो इस प्रोडक्ट को खरीद सके। अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। वॉल्यूम, गोपाल भाई मैं आपसे डिसएग्री करता हूं, वॉल्यूम घटेंगे इसमें, आप देख लीजिएगा आने वाले वक्त में, पहले ही नई लॉन्चेस कम हो चुकी हैं और भी नई लॉन्चेस कम होंगी, मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि वॉल्यूम बढ़ेंगे, कम से कम 2-2.5 साल वॉल्यूम बढ़ने की उम्मीद नहीं, क्योंकि मैं इंडस्ट्री के अपने सारे मेंबर्स से जब बात करता हूं सब बात करते हैं कि यार अब काम को थोड़ा घटा दो, कम कर दो, क्योंकि पता नहीं रेरा में हमको 1-2 साल लग जाएंगे सीखने में कि रेरा के अंडर आके कंप्लायंट कैसे होना है। So, इसलिए आई थिंक 2017 उन लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो ऑलरेडी एक ऑर्गेनाइजेशन के, जिनके पीछे एक ऑर्गेनाइजेशन है और जिनके पास अच्छे एग्जीक्यूशन मसल है,
उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और सप्लाई अपनी मार्केट में लाने के लिए। राइट राइट, अब समय बिल्कुल ही कम रह गया, तो पंकज जी संक्षेप में। मुझे तो लग रहा है कि एक बड़ी अच्छी इकोनॉमिक हार्मोनी होती हुई दिख रही है, और मैं कंप्लीटली एग्री करता हूँ काबरा साहब से कि ये शायद अनप्रेसिडेंटेड सेल्स का एक पीरियड होगा, एक वॉल्यूम होगा, क्योंकि प्राइजेस भी डिस्काउंट में आएंगे, इंटरेस्ट रेट भी कम होगा, एक कंज्यूमर इनेबल होता हुआ नजर आएगा जो बीच में बहुत बड़े गैप की वजह से खरीद नहीं पा रहा था। पिछले 5 साल की जो है पेंटअप डिमांड बहुत ही ह्यूज है मार्केट में, तो मुझे लग रहा है 2017 जो है वो पिछले दशक का सबसे बढ़िया ईयर होने वाला है इन टर्म्स ऑफ एंड यूजर और वॉल्यूम। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग है कि हमारे तीनों पैनलिस्ट एक अलग प्लेटफॉर्म पर हैं, सबकी अपनी अपनी राय है, और क्यों ना हो, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन हो गया है, रेरा आने वाला है, आगे इंटरेस्ट रेट में बड़े चेंजेस आने वाले हैं, बजट का हम इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर, और कुछ और घोषणाएं अगर सरकार की तरफ से आ जाती हैं, तो अनसर्टेनिटी का एक एंगल तो जरूर इसमें है। जीएसटी भी इनफैक्ट एक बड़ा फैक्टर होगा आगे चलते हुए। तो 2017 बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है रियल स्टेट के लिहाज से। हम देखेंगे कि जो बातें आज यहां हुई हैं उसमें से कितनी बातें आगे जाती हैं और किस रूप में हमारे सामने आती हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आज का डिस्कशन है, हम चाहे किसी मोटे कंक्लूजन पे नहीं पहुंच रहे, लेकिन बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स यहां पर रेज हुए हैं जो आपके लिए डिसीजन मेकिंग में बहुत सहायता करेंगे। तो आज के इस कार्यक्रम को, इस लंबी सी चर्चा को यही विराम देंगे। आप सभी का इसमें शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया, नमस्कार। Focus. Ideate. Innovate. Enable.